आयशा, वो यहाँ तेरी कार भी ऐसी लूटने वाली है और तू यहाँ बैठ के मेरा वाला रेड खेल रही है। तो तू कौन सी दुनिया में रहती है यार? अब फिर आ गए ना मुझे इरिटेट करने, आपको और कोई नहीं मिलता क्या? मैं क्या करूँ, तेरा ये मासूम चेहरा मेरी आंखों के सामने घूमता रहता है और तू यहाँ बेखबर बैठी है और नेल पॉलिश लगा रही है और यहाँ पूरे घर में तुझे चारों खाने चित करने की प्लानिंग हो रही है। अब क्या हुआ है, आप जल्दी बताएंगे प्लीज, मुझे स्पा जाना है। ओए तू कहती रह जाएगी सफा सफा और यहाँ प्रिया ने कर जाना है सफा सफा। वाह क्या शायरी। प्रिया जी अब क्या हुआ, अब क्या किया है उन्होंने? ओए किया नहीं है पर करेगी। ओए तू तो जानती है कि ये पूरा घर प्रिया के चमचों से भरा हुआ है। ओए अपनी आंखों से देख के आ रहा हूँ, दादी जी ने कल कंजकों की पूजा रखी है प्रिया की पीयू के लिए। ओए बड़ी तैयारियां चल रही हैं, पीयू को 5-star ट्रीटमेंट मिल रहा है। ओए कहने को इस घर को वारस दिया तूने पर बेटी नंबर 1 तो पीयू है। ओए अभी तो पीयू की एंट्री हुई है इस घर में, तो देख होशियार रहना, पीयू के पीछे पीछे उसकी माँ प्रिया ना आ जाए कहीं। हाँ रिलैक्स मामा जी, इतनी आगे का मत सोचिए, पहले कल की पूजा तो होने दीजिए, वहां पर मैं भी होंगी और खुश भी होगा और पीहू को कैसे हैंडल करना है ये मैं अच्छे से जानती, और इस बेटी नंबर 1 के ड्रामा में अपने बेटे को कैसे प्ले करना है ये भी अच्छे से जानती हूँ। Wait and watch. Wow, शुक्र है, हैं? मेरे कहने से तेरी दिमाग की बत्ती तो जल गई। ओ चल ठीक है, देख लेंगे तेरा भी प्लान। तू लगा अपना वाला रेड, लगा। सारे एसीज काम करने चाहिए, मेरी बेटी पहली बार इस घर में आ रही है जैसे कि तुम लोग सब जानते हो। वो भी बिल्कुल मेरी तरह है, गर्मी बहुत लगती है उसे, सारी एसीज की सर्विस अभी का अभी करवाओ। और हाँ वो भी खाने की बहुत शौकीन है इसलिए फ्रिज को भर दो विद ऑल काइंड ऑफ केक चॉकलेट पेस्ट्रीज और हाँ आइसक्रीम, शी लव्स आइसक्रीम। ओके आइसक्रीम के सारे फ्लेवर्स ले आओ। सर सारे फ्लेवर्स मंगवाने हैं आइसक्रीम के? हाँ अभी तो कहा कि सारे फ्लेवर्स, कम ऑन कम ऑन गो गेट टू वर्क। ओए गोलू मैं तुझे बता नहीं सकती हूँ आज मैं कितना खुश हूँ तुझे ये सब अपनी बेटी के लिए करते देखकर, आज तो मेरे दिल को ना कितना सुकून मिल रहा है। अरे दादी आप कैसी बातें कर रही हो, मेरी बेटी है और वो भी पहली बार हमारे घर आ रही है, ये सब तो बनता ही है। मैं नहीं चाहता कि किसी भी चीज की कमी महसूस करे। डोंट वरी राम, मैं खुद दादी के साथ बैठकर पूजा के सामान की सारी लिस्ट बनवा लूंगी। ओके In fact, I'm so happy. My little angel Peehu is coming home. पहली बार आ रही है इस घर में. Don't worry at all. उसे किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी. And I'll make sure she just has the best time. दादी, but ऐसा भी होता है ना कि पूजा में लड़कियों के साथ एक लड़का भी होता है छोटा. हाँ होता है ना. तो वो लड़का कौन? ये कोई पूछने की बात है? वो लड़का खुशी तो होगा और कौन हो सकता है? हाँ। नहीं वो बस पूछ रही थी, कंफर्म कर रही थी। डोंट वरी एट ऑल, मैं सारी तैयारियां करवा लूंगी। ठीक है सारी तैयारी कर लो। चलिए हम बैठकर डिश बनाते हैं। आई सर। समझ में नहीं आता इतने डेलिकेट और फैंसी कपड़े बच्चों के लिए बना क्यों देते और ये पीहू ना आतंक मचा देती है। समझ में नहीं आ रहा क्या पहनाकर भेजो इसे पूजा के लिए, पहली बार जा रही है वहां पे। चलो पूजा के लिए तो तैयार करके भेज दूंगी, फिर वहां से स्कूल के लिए जाएगी तो। हाँ सुबह ना मैं स्कूल यूनिफॉर्म इसके साथ ही पैक करके दे दूंगी, नताशा को कह दूंगी वो पूजा के बाद उसे चेंज करके भेज देगी। गुड आइडिया। पीहू कम आओ। हाँ आई मम्मा। जल्दी आओ।
आप ना जाकर अपना बैग पैक करो, अच्छे से सारी बुक्स और सारी चीजें रखो, और मम्मा जाकर आपकी स्कूल यूनिफॉर्म पैक कर देती है, ओके? मम्मा, पर आप स्कूल की यूनिफॉर्म क्यों पैक कर रहे हो? अरे आपको मम्मा ने बताया था ना, कल आपको पापा के घर जाना है, वहाँ कंजके की पूजा है, बड़ी दादी और दादी ने आपको बुलाया, याद है? हाँ। वो आप पूजा के लिए सुबह सुबह जाओगे तो फिर उसके बाद स्कूल जाओगे ना बेबी, घर आने का तो टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए मम्मा आपकी स्कूल यूनिफॉर्म पैक करिए, नताशा बुआ आपको तैयार कर देगी, ओके? एंड लिसन लिसन, वहां जाके ना एकदम गुड गर्ल की तरह बिहेव करना, कोई बदमाशी नहीं, जाके सबको हाथ जोड़ के अच्छी लड़की की तरह नमस्ते करना, और पूजा में ना चुपचाप बैठना, हाथ जोड़, जैसे जैसे बड़ी दादी और दादी बोले ना वैसे वैसे करना, और वहाँ पे जो कुछ भी बना हो ना पूजा में चुपचाप खा लेना, ये नहीं कि वहाँ जाके भी जिद करने लगो कि मुझे आलू पराठा चाहिए, वहाँ मम्मा नहीं होगी ना, इसलिए जो बड़ी दादी और दादी कहें चुपचाप खा लेना, ओके माय डॉल? हाँ बाबा, हाँ, हाथ जोड़ के ही नमस्ते करूंगी, हैप्पी? वेरी हैप्पी, दैट्स लाइक माय लिटिल प्रिंसेस, और हाँ जितने भी लोग हो ना वहाँ पर सबको विश करना ऐसे हाथ जोड़कर स्माइल कर, किसी को ऐसे नहीं लगना चाहिए कि आप मामा को मिस कर रहे हो, ऐसा लगना चाहिए जैसे आप वही के बेबी हो, वही रहते हो सबके बीच में, और हाँ प्लीज बिल्कुल भी शोर मत मचाना, जो कुछ भी बोलना हो ना पोलाइटली बोलना, हाँ प्यार से एकदम, और कुछ भी चाहिए हो तो बड़ी दादी या दादी से कह देना, या नच बुआ होगी ना उनको बोल देना, सबको ऐसा लगना चाहिए कि मेरी लिटिल प्रिंसेस, मेरी पीहू दुनिया की सबसे ज्यादा अच्छी लड़की है, एकदम वेल मैनर्ड, गुड गर्ल, प्रॉमिस? हाँ मम्मा, मैं प्रॉमिस गुड गर्ल की तरह बिहेव करूंगी, दैट्स लाइक माय लिटिल पीहू, परफेक्ट। मम्मा आपको तो पता होगा ना पापा का हाउस कैसा है, आपने तो देखा होगा ना? हाँ देखा है ना, तो बताओ ना हमारे जैसे है क्या? नहीं नहीं, हमारे घर से तो बहुत बड़ा है, इनफैक्ट इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि तुम देखने जाओगी ना तो तुम्हें किसी की हेल्प की जरूरत पड़ेगी, पता है जब मम्मा पहली बार वहां गई थी ना तो इतने सारे कमरे थे कि मम्मा भूल ही गई थी कि कहां से कहां जाना है, बंसी काका है ना उन्होंने फिर मम्मा को पूरा घर दिखाया, इतने सारे रूम्स में कौन रहता है? इतने सारे लोग जो है वहां पे, बड़ी दादी, दादी, आपके पापा, खुश और उसकी मम्मी, और ऋषभ चाचू, सौम्या चाची, बहुत सारे लोग हैं, सबके अपने अपने कमरे। ओह, और आपका, आपका भी तो रूम होगा ना पापा के घर पे? अरे पीहू, हाँ मम्मा का भी कमरा था वहाँ पे। आपका रूम कैसा है बताओ ना मम्मा। मामा का रूम उस घर का सबसे अच्छा रूम था, पता है उस रूम में सामने वाली दीवार पे मामा और पापा की एक बड़ी सी तस्वीर लगी हुई है, ब्लैक एंड वाइट, जैसे पुरानी फिल्म के हीरो हीरोइन होते थे ना बिल्कुल वैसे, ऐसे उगते हुए सूरज को देखते हुए। फिर बीच में एक बेड है, कॉर्नर में एक ड्रेसिंग टेबल है, एंटर करते ही राइट साइड में एक काउच है, और हाँ लेफ्ट कॉर्नर में ना विंडो के पास एक बड़ी सी बुक शेल्फ है, और उसके बाजू में टीवी है, और वहीं पे ना आपके पापा की एक बड़ी सी चेयर रखी हुई है, आपके पापा बहुत पजेसिव हैं उस चेयर के बारे में, खुद बैठते हैं और किसी को नहीं बैठने देते। वाह मम्मा, आपका रूम तो बहुत बिग और प्रीटी होगा ना, तो वहां क्यों नहीं रहती? मैं वहां क्यों नहीं रहती हूँ? सिंपल, क्योंकि मैं अपनी पीहू के साथ यहाँ रहती हूँ, इस घर में। आई नो ये आपके पापा के घर जितना बड़ा नहीं है, लेकिन यहाँ पे बहुत सुकून है पीहू, मामा को यहाँ बहुत मन की शांति मिलती है, और आपके साथ रहती हूँ इसलिए
ढेर सारी खुशियां भी। और वैसे भी एक बात बताऊं, बिग हाउस का मतलब ये नहीं होता कि वो हैप्पी हाउस भी हो। बस इंसान जहां भी रहे उसे हैप्पी रहना चाहिए। मॉरल ऑफ द स्टोरी, मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है, जरूरी नहीं है कि बिग हाउस हैप्पी हाउस हो। एग्जैक्टली। ओके नाउ वेट अ मिनट, अब तुम ना मुझे बातों में मत लगाओ, जल्दी से जाके अपना बैग पैक करो, मामा जाके आपकी स्कूल यूनिफॉर्म पैक करती है। एंड यस, ये भी तो डिसाइड करना है कि आप पूजा में क्या पहन के जाओगे। ओह आई हैव टू डू लॉट्स, बाय। फाइनली आपको टाइम मिल गया मुझे कॉल करने का। तेरे लिए तो मेरे पास टाइम ही टाइम है बच्चा। ये बताओ कैसी हो, क्या चल रहा है, काम धाम सब ठीक है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए। अरे कल तुम आ रही हो ना कंजका की पूजा के लिए? ऑफ कोर्स माँ, आई मीन आई एम सो एक्साइटेड, इतने सालों बाद। आई मीन बचपन में इट यूज्ड टू बी सो मच ऑफ फन, फिर ऑफ कोर्स आप नहीं थी, फिर दादी चली गई, बट आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर टुमारो। तो सुबह मिलते हैं तब खूब बातें करेंगे। बाय बेटा, गुड नाइट। गुड नाइट माँ। के ये हो गई मेरी प्रिंसेस, रेडी लवली। एक मिनट भैया, किसी की नजर ना लग जाए मेरी रानी को। ओके सो नाउ लिसन, जैसा जैसा मामा ने सिखाया ना बिल्कुल वैसे ही कर। हाथ जोड़ के नमस्ते करना, प्यार से मुस्कुरा के सबसे बात करना, किसी से ऊंची आवाज में बात मत करना, और हाँ जो पूजा में प्रसाद बना हो ना चुपचाप खा लेना, ये नहीं कि वहाँ जाके जिद करने लगो कि मुझे वो खाना है ये खाना है। ओके, ये इस बैग में मम्मा ने आपके लिए यूनिफॉर्म रखी है, पूजा के बाद नताशा बुआ तुम्हें चेंज करा देंगी और स्कूल ड्रॉप कर देंगी। ओके बेबी। मम्मा आज मुझे स्कूल नहीं जाना। पीहू, मम्मा को पता है कि कल जो भी स्कूल में हुआ उसके बाद आप कितने अपसेट हो। मम्मा भी बहुत अपसेट है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है बेबी कि आप स्कूल ही नहीं जाओगे। मामा ने आपको कहा ना कि कोई भी प्रॉब्लम इतनी बड़ी थोड़ी होती है कि वो हमसे भी ज़्यादा बड़ी हो जाए। प्रॉब्लम को फेस करना चाहिए, उससे भागना नहीं चाहिए। हम प्रॉब्लम को फेस करते हैं ना तो प्रॉब्लम इतनी सी हो जाती है, छोटी सी। ओके, और वैसे भी मुझे पूरा यकीन है अभी तक तो आपके पापा ने स्कूल में ऊपर से लेकर नीचे तक सबको ठीक कर दिया होगा, ट्रस्ट मी। Come on, उन बच्चों से जाके बात करो, उनसे फ्रेंड्स बनाओ, डरना थोड़ी है। ओके गुड कर। ओके नताशा बुआ आ भी गई, गो गेट योर स्कूल बैग, में दरवाजा खोल दे, जाओ जल्दी से लेकर आओ। ओह गॉड, आप हर बार ऐसे इंटरोगेशन करने का इरादा है, क्यों नहीं आ सकता मैं यहाँ पर? अरे मैंने तो सिर्फ इसलिए पूछा क्योंकि मैं नताशा को एक्सपेक्ट कर रही थी, वो पीहू को कपूर मेंशन लेके जाने वाली थी ना, दैट्स व्हाई आई आस्क्ड। आई आई है ना, आई यू गाइस। हाँ रेडी तो है, लेकिन स्कूल जाने के लिए थोड़ी सी आनाकानी कर रही है, कल क्लासरूम में जो कुछ भी हुआ उसके बाद शी इज अ लिटिल शेकन अप। मिस्टर कपूर, मैं सोच रही थी कि मैं आज जब उसे पिकअप करने जाऊंगी तो उसकी टीचर से या प्रिंसिपल से इस बारे में बात कर लूंगी। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट, वो मेरी भी बेटी, मैंने प्रिंसिपल से बहुत डिटेल में बात कर ली, शी हैज प्रॉमिस्ड मी कि आइंदा ऐसा होगा। थैंक यू सो मच मिस्टर कपूर। पीहू पापा है। अरे वाह, आज तो मेरी रॉकस्टार प्रिंसेस लग रही। हाँ, क्योंकि आपके घर पूजा है ना मेरी, इसके लिए। आपको तो सब कुछ पता है? हाँ, मम्मा ने बताया है ना मम्मा? एक मिनट, मिस्टर कपूर, मिस्टर कपूर ये
पीहू के स्कूल का बैग और ये उसके स्कूल की यूनिफॉर्म। पूजा के बाद नताशा उसे चेंज करा देगी और वही उसे आज स्कूल भी ड्रॉप कर देगी। पीहू चले। मम्मा जल्दी अपना पर्स लेके आओ वरना हम लेट हो जाएंगे। पीहू वो मामा ना आपको स्कूल के बाद पिक करने आएगी। अभी आप पापा के साथ जाओ, पूजा के लिए देर होगी। गो मम्मा, पर मैं अकेली कैसे जा सकती हूँ पापा के घर? पापा मम्मा को बोलो ना कि हमारे साथ आने के लिए। मम्मा तो पहले आपके घर ही रहती थी ना, तो मम्मा को तो आना चाहिए ना पापा। बोलो ना पापा मम्मा को आपके हाउस आने के लिए। पीहू बेबी देखो ना, मम्मा तो ड्रेसअप होना ही भूल गई। आपने तो इतनी अच्छी अच्छी ट्रेडिशनल ड्रेस पहनी हुई है। अगर आप मम्मा तैयार होने जाएगी तो आप लेट हो जाओगे ना, और अगर आप लेट हो गए तो भगवान जी आपका वेट करेंगे वहाँ पे, तब तो पूजा के लिए और भी देर हो जाएगी। मम्मा क्या भगवान जी मेरे लिए सच में वेट कर रहे हैं? हाँ बच्चे, भगवान जी वहाँ आपका सच में वेट कर रहे हैं। पापा से पूछो। भगवान जी वहाँ पीहू का पूजा के लिए इंतजार कर रहे हैं ना? हाँ पीहू, गॉड जी आपकी वेट कर रहे हैं। चले जाओ। गुड गुड एंड रिमेम्बर। बीजी मैं सब कुछ चेक करके आई, पूजा का सब सामान ठीक ठाक रखवा दिया है। आप चाहो तो एक नजर मार लो। नहीं कोई जरूरत नहीं चेक करने की, मुझे पूरा भरोसा देने पर सब अच्छी तरीके से किया है। मैं अभी किचन का राउंड लगा के आ रहा हूँ। क्या खाना बनाया है आपने, क्या लाजवाब खुशबू आ रही है। वाओ, आई कांट वेट मायसेल्फ। लेकिन यू हैव टू वेट, जब तक चीफ गेस्ट नहीं आती है, कंजका की पूजा नहीं हो जाती है, तब तक नो अटेंड। मैं तो चाहता हूँ कि हमारी चीफ गेस्ट पीहू जल्द से जल्द आए, सो दैट आई कैन ईट माय हलवा पूरी फास्ट फास्ट। ऋषभ जो भी अटैक करना है तैयारी कर ले, क्योंकि गेस्ट ऑफ ऑनर आ चुके हैं। आजा मेरा बच्चा। नमस्ते जी, कैसी है पीहू? जिंदी रहे, सुखी रहे, खुशी रहे मेरे पुत्र। नमस्ते ऋषभ दादू। How are you baby? I'm fine. ये सिर्फ मेरा नहीं आपका भी घर है। पता पापा, मम्मा ने मुझे कहा था कि जब वो यहाँ रहती थी तो। ओए गोलू, चलो पूजा का टाइम हो गया, जल्दी करो, बहुत देर हो गई है। हाँ हाँ जरूर जरूर।
थैंक यू। पुत्र बच्चों को जितना खाना है अच्छी तरह खाने दे, पेट भर के खाने दे, कमी मत रखे। मुझे पूरी मिल सकती है? हाँ हाँ श्योर। ये लो। ओके। अरे मुझे और एक मिल सकती है? बिल्कुल ये लो। अरे थोड़ा सा हलवा मिल सकता है मुझे? सब्जी मिल सकती है? और सीरा और पूरी। कितना खाती हो तुम? हाँ इतनी सी हो और तुम्हारी एपेटाइट एक्स्ट्रा लार्ज है। तुम्हारी मम्मा ने तुम्हें पोर्शंस में खाना नहीं सिखाया क्या? देखो बाकी सारे बच्चे अब तक खत्म नहीं कर पाए और तुम चार बार ले चुकी हो पीहू। बाप पे गई है। तुम्हें सर्व करते करते ना मेरी कमर की बैंड बज गई, अब मैं और नहीं कर सकती। अब जितना भी प्लेट में है जल्दी खत्म करो और उठो। आयशा माफी मांगो इससे। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.